दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चल रहे हैं किसान संघ के मीटिंग में और वहां पर किसानों का आंदोलन किया जाएगा डीएम कार्यालय पर। और वहां पर कहा जाएगा कि डीएम साहब से कि किसानों की जितनी मांगे हैं उसे पूरा करें और किसानों की बातों को सुने। और इसी सिलसिले में आज हम चल रहे हैं डीएम कार्यालय पर, वहाँ पर धरना दिया जाएगा। और अपने बाइक का थोड़ा झंडा भी दिखाते हैं आपको। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे, मिलेंगे हम डीएम कार्यालय पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठित हैं। अब हम घर से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं बाइक रही और ये रहा किसान संघ का झंडा। आप देख सकते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा अच्छा से। देखिए ये किसान संघ का लोगो है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए किसान संघ का लोगो है। अब हम चल रहे हैं डीएम कार्यालय पर, वहाँ पर धरना दिया जाएगा किसान संघ का। ये झंडा रहा, ये मेरी बाइक रही। अब हम लोग चलते हैं डीएम कार्यालय पर, वहाँ आपसे मिलेंगे। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बारे में आप सब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसान संघ के लोग आ चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए, और लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। आज हम सब के बीच में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह संचालक सभी लोगों को दिखा देते हैं। हम सभी लोग अपनी बातों को यहां पर रखेंगे, जो भी जिसकी समस्याएं रहेंगी। और उसके बाद हम चलेंगे डीएम कार्यालय पर, वहां का भी आपको नज़ारा दिखाया जाएगा। और आपका परिचय और दे दूं मैं, जो यहां अपने परासी में इंटर कॉलेज है उसमें आप अध्यापक हैं और इस समय सेवानिवृत्त हो गए हैं और आप पत्रकार भी हैं। तो बने रहिए गाइस, ये लोग अपनी बातों को रखते हैं, तब तक हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे डीएम कार्यालय का। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करता हूँ काशी प्रांत के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रामजी सिंह जी, काशी प्रांत के महामंत्री। हम लोग के बड़ी सौभाग्य का विषय है कि चंदौली की धरती से काशी प्रांत के महामंत्री श्री अखिलेश जी आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं। आप लोग का सुख दुख में भागीदार बनने के लिए यहाँ पर उतना समय देकर, अपना अमूल्य समय देकर हम लोग के बीच आए हैं। काशी प्रांत के उपा युवा प्रमुख श्री रविशेखर जी भाई साहब, प्रगतिशील किसान आदरणीय गौरी शंकर जी दुद्धी के घिवही के हैं, काशी प्रांत के मंत्री श्री सदानंद मौर्य जी, सोनभद्र के जिला अध्यक्ष श्री राम बहादुर सिंह जी, जिनकी अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन और हमारी समस्याओं का, आपके समस्याओं का निदान करने की हम लोग योजना के लिए तैयारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एवं जिला उपाध्यक्ष भाई चंद्र प्रकाश सिंह जी, रणजीत सिंह जी एवं विकास खंड के अध्यक्ष भरावल के हमारे साथी रामविलास सिंह जी एवं कर्मा विकास खंड के अध्यक्ष श्री अनमोल सिंह जी एवं आए हुए हमारे अन्नदाता भगवान किसान बंधु माता एवं बहनों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसी तरीके से अगर आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहेगा तो जो आपका शोषण हो रहा है एक दिन जरूर आपको आज़ादी मिलेगी। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है कि आपका हक आपको न दे। इसी के साथ मैं आपसे, हम हैं भारत के किसान, हम अपना हक, हम हैं भारत के किसान, हम अपना हक मांगेंगे। हम एक फूल नहीं, एक बाग नहीं, हम सारा भारत मांगेंगे। हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, हम पूरे देश के किसानों की आज़ादी के विषय करने हैं आए हैं, साथ साथ अपनी भी आज़ादी के लिए। आज हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आप समझिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री मंच से सभी को बोलते हैं कि मैं पहले प्रधान सेवक हूँ, इसके बाद प्रधानमंत्री बाद में, उस देश के नौकरशाहों ने हमारी क्या हालत बना रखा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय महाराज जी, उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश को संपूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाऊंगा। अच्छा आप बताइए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है आपका? मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी समस्या किसानों की है धान खरीद। हम किसानों का अरबों रुपया पूंजीपतियों ने लूट डालते हैं, हर साल लूटते हैं। नाम किसान का होता है लेकिन लूटते अधिकारी और व्यापारी मिलकर के हैं। अच्छा ये बताइए, हमारा देश, हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे देश की रक्षा करता है। हम किसान अपने खून पसीने की कमाई रात दिन एक कर करके
चलाने का काम करते हैं। पूरी शासन व्यवस्था को चलाने का काम हम किसान ही करते हैं। अन्न फल साग सब्जी दूध जितना है हम पैदा करते हैं, हम खिलाते हैं, लेकिन ये बेईमान हमारा क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। कि आप समझिए कि धान खरीद में अरबों रुपए का घोटाला होता है। एक किसान अगर सहकारी समिति हर शाखा पर या अन्न जो केंद्र खोले जाते हैं अगर उस पर बेचता है मात्र 100 क्विंटल धान तो उसको 2040 का मिलेगा। लेकिन अगर वही धान को अगर वो व्यापारी को बेचता है तो उसको 1500 रुपया घाटा जाएगा। एक क्विंटल में 500 रुपया यानी 50,000 मात्र 100 क्विंटल बेचने वाले किसान का 50,000 ये नौकरशाह और व्यापारी दोनों मिलकर के हमारा खा जाते हैं। यही हमारी आजादी है, इसीलिए हम सरकार बनाते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद चुनते हैं तो देश का सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपनी कानून व्यवस्था हमारा सही ढंग से हमें हमारा हक मिल सके इसलिए जिलाधिकारी महोदय को नियुक्त किया जाता है, सभी अधिकारियों का गठन किया जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो करें। उनके हमारे बीच के हैं प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, जिलाधिकारी से लेकर बड़े बाबू तक, सबका वेतन आपके खून पसीने की कमाई से दिया जाता है, हमारे कमाई से दिया जाता है, हम पर टैक्स दिया जाता है। लेकिन ये आजाद भारत में कि 70% किसानों की आबादी है, जिस देश में 1 अरब किसान रहते हैं उस देश में उस किसान बेचारा अपने आत्महत्या कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, अपनी बेटी के शादी नहीं कर सकता बिना जमीन बेचे हुए, खेत नहीं रखे हुए, क्यों भाई? ये नौकरशाह यानी पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है, करे रात दिन मेहनत हम पर हालत सुधर नहीं पाती है, क्यों भाई? कैसे हमारी हालत सुधरेगी? जो हमें हक मिलना चाहिए, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, हम समर्थन मूल्य के लिए 19 तारीख को रैली करने जा रहे हैं कि हमें लाभकारी मूल्य मिले। हमारा न्यूनतम मूल्य जो भारत सरकार हमें दे रही है वो भी उनके चेले के बाटे हमारा खा जा रहे हैं। इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। समझिए कि जिसे किसान क्रेडिट कार्ड है या कोऑपरेटिव बैंक है, किसान जो पैसा निकालने के लिए जाता है तो वहाँ 5% लेता है। मैं इसी कर्मा के 1 महीने का बात बता रहा हूँ आपसे। एक हमारे मिश्रा जी हैं, उन्होंने गया कहा भैया हमें 50,000 रुपया चाहिए। जब मिश्रा जी 50,000 रुपया निकाले, जबकि कर्मा का सचिव तिवारी जी हैं 52,000 का चेक भर करके उन्होंने 2,000 रुपया अपने पाकिट में भेजा। जब कहा मिश्रा जी ने कि भैया ये 2,000 किस बात का है, तो कहा गुरु जी आप तो हमारा बिरादर हुआ है, यहाँ तक 2,000 ले लिया, दूसरा को रहा था 2,500 ले लिया, 5% नियम हो। मिश्रा जी जरा खड़ा हो गए समाज के बीच में, यही हमारे गुरु जी हैं, ये समझिए ये आपकी ताकत है। यही प्रभुपाल सिंह मौर्या जिला मंत्री 2 दिन बाद जब हमारे घर आए, हमने फोन किया, बैठिए, जब हमने फोन किया गुरु जी 50,000 रुपया जब संजय मिश्रा आपसे कहा था निकलवाने के लिए निकलवाए, तो आप 2,000 किसका ले लिए? कह रहे भाई मंत्री जी तो आपका नाम नहीं बताए, जब नाम बताएंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन ये क्या बात फर्क नहीं हुआ, ये आपकी ताकत थी मेरे भाइयों। नहीं आज के 7-10 साल पहले मुझसे भी उसी को ऑपरेटिव पर उन्हीं के पिताजी थे 50 रुपया बोरी जीपी पर लिए थे 5% कमीशन 2011 में 2007 से पहले 2000 जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बना था मैं 10% कमीशन देकर के बनवाया हूँ। लेकिन आज इसी संगठन के बदौलत अध्यक्ष जी हमारे जो प्रांत के उपाध्यक्ष जी हैं हमारे जो आज माननीय जो वहाँ से आए हैं चंदौली से काशी प्रांत के महामंत्री जी, इन लोगों के आदेशानुसार सैकड़ों किसानों का निःशुल्क किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। तो उस तिवारी जी ने कहा कि अरे भाई मौर्या जी ये तो आपका नाम ही नहीं बताया, आप कहाँ हमके घर पर हैं? राम सजीवन त्रिपाठी और धीरेन्द्र त्रिपाठी कर्मा के सचिव घर पर आए, क्या भैया अगर कहियो तो आ जाते ना क्या खत्ता के समझ रहा पैसा तो उठकर हमकी इज्जत यही बाकी दे दान कर पूछे उस किसान से कि 1 महीने के अंदर 1,000 से 12 दिन के बाद दे दिए, फिर 1,000 15 दिन बाद दे दिए। ये आपकी ताकत थी, हमें कोई गुलाम बना करके नहीं रख सकता, लेकिन हम गुलामी को मान चुके हैं। 70 साल जो अरे कैसे होता रहेगा भाई, जब प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, मुख्यमंत्री हम बनाते हैं, MP MLA हम बनाते हैं, हम इतना निर्बल क्यों हैं? ये ताकत की वजह से आप एकत्रित नहीं होते, इसी कारण से आपको लूटा जा रहा है, लूटते जाएंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे, आप बताइए 500 रुपये का नोट आपके जेब से कोई निकाल ले, एक व्यक्ति देख ले कि भैया 500 रुपया निकल गया, अगर वो फुलवा निकल ले जा जेब भी गायों के चार पड़ा का दूध जूता मारी कि ना मारी 500 रुपये। ये विपणन अधिकारी
कोऑपरेटिव है यार, एसडीएम महोदय, बीडीओ साहब, जो हमारे निरीक्षक है नोडल अधिकारी एडीएम साहब, इनके अध्यक्षता में धान खरीदा जा रहा है। समझे यार, एक किसान का 70,000 जो 12 रुपया बिकता है, 80,000 रुपया हुआ, 100 क्विंटल धान बेचने वाले किसान के बेईमान खा जाते हैं और कहते हैं कि किसान नेता है, किसान उल्टा सीधा बोलता है। अरे बेईमानो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वेतन देता हूँ, हमारा किसान देता है, खून पसीने की कमाई से टैक्स लगा कर तुमको बेतुम, हमारे नौकर और मालिक नहीं हो, लेकिन हमें नौकरों से बदतर बना दिया है। अगर आप नहीं जागोगे तो आज के 25 साल बाद सब मजदूर बन जाएंगे, जो किसानों को मजदूर बनाने की साजिश चल रही है। अरे भाई, कागज पर किसानों का धान बिकता है, लेकिन बिकता कितने का है? 15 दिन, 1 महीना ट्रैक्टर ट्राली खड़ा रहेगा, खर्चा जाएगा 50 क्विंटल, फिर होगा 500 क्विंटल, 400 क्विंटल, किसका हक मारा जाता है? आपका। 1 महीना बाद हो गया तो टोटल बंद हो गया, अब किसान क्या करे भाई, किसान क्या करे? तो इसी तरीके से इसी सारी समस्याओं का हल, जब ये बताइए कि जब एक बाकी 500 रुपया निकाल लिया, उसका जूता चप्पल से पिटाई होती है, तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं जिला अधिकारी महोदय का 100-100 बार सर्वत पूरे अधिकारियों का अभिनंदन बंधन पैर पकड़ता हूँ, लेकिन जो किसानों का हक देते हैं उनका पैर पकड़ता हूँ। लेकिन अगर इन्होंने बेईमानी की, हमारे साथ छल किया, तो जो मैं एक पाकिट मार कर करता हूँ, अब मैं उनका यही हाल करने वाला हूँ। आजादी मांगना अपना हक नहीं है, गुलामी है, तो जहाँ चाहे जिलाधिकारी महोदय, कोई न्यायालय की जरूरत नहीं है, ये प्रभुपाल सिंह मौर्य को मंच लगा दे, हमें फांसी दे दे, मैं स्वयं अपने कमरे में फांसी लगा करके झूल जाऊंगा, लेकिन हमारे किसान भाइयों के माताओं बहनों को ये हक मिलना चाहिए। यही हमारा निवेदन है कि ये ताकत जब अगली बार प्रदर्शन हो तो कम से कम 10 गुना संख्या में हो, हम पूरा परिवार सही जाएंगे, पिटवा के ब्याह बाद, सड़वाने रिश्ता बाद, पूरा परिवार चल जाए। जब किसान संघ की जब अपन समस्या समाधान कराओगे, इस समय नहीं, बच्चा तोड़े को भंडा तोड़े के बाद लोन लगा रहा खेत में, 1 महीने से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, आप लोग को लग जगाने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तो जागो। अगर यही आपकी तरह अगर अन्य हमारे पूर्वजों ने सोचा होता तो आप आजाद होते? देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमें गुलाम बना करके रखा गया है। आपकी आजादी कब मिलेगी? हम संवैधानिक तरीके से, मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन दूंगा, एसडीएम को ज्ञापन दूंगा, विपणन अधिकारी को दूंगा, कोऑपरेटिव एआर को दूंगा, इसके बाद मीडिया बुलाऊंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा, जब नहीं मानेंगे तो जो एक पाकिट मार की सजा होती है, दवाई होती है, अब वही दवाई मैं इनकी करूंगा। इसके लिए मुझे अगर फांसी पर चढ़ना पड़े तो मैं खुशी खुशी फांसी पर चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसान भाई, आपको हक मिले, आपका अधिकार मिले, आपको सम्मान मिले, इसी के लिए ये संगठन है, और ये किसी की आवश्यकता नहीं है। आप जब बताइए कि देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हो, मुख्यमंत्री आप बनाते हो, विधायक, मैं माननीय विधायक जी की बात करता हूँ, इसी धान खरीद में जब मैंने कहा कि विधायक जी इस तरीके से अधिकारी कर्मचारी लूट रहे हैं, तो कहें भैया क्या करें, हम जाते हैं तो समझ कर या कुर्सियाँ छोड़ के भाग जाते हैं। अब सोचिए, जिसको मैं अपना जनप्रतिनिधि बनाया हूँ, वो कहता है कि कुर्सियाँ छोड़ के भाग। मैं अपने जनपद के चारों विधायकों को घोरावल, राउटरगंज, दूधी, ओबरा, सबको भारतीय किसान संघ जनप्रतिनिधि यही ज्ञापन, माननीय विधायक जी का नाम भी दिया जाएगा, अगर ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो मैं अपने गांव में आपसे वादा करता हूं कि कोई व्यक्ति सांसद विधायक अपने गांव में घुसने नहीं दे। जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो किस बात का विधायक भाई, किस बात का सांसद? हम जाएंगे महाराज जी के अपनी समस्या लेकर के, अपने जनप्रतिनिधि वहीं जाएंगे? मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? आपको शपथ लेना पड़ेगा अपने अधिकारों के विषय में। हमारे कहने का मतलब, हमारा नारा है हर किसान हमारा नेता है। नेता का मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, नेता का मतलब है नहीं कुत्ता पजामा पहन लिए, इस्माइल साहब को 200 क्विंटल बेचे के बाद ला साहब 20,000 चढ़ा दा, ये नेतागिरी नहीं है। नेतागिरी का मतलब गरीब लाचार व्यक्तियों का हक देना। एक प्रभुपाल सिंह मौर्य आपका बेटा है, आपका भाई, सैकड़ों किसानों का धान भिजवाता है, खाद दिलवाता है, कोऑपरेटिव में जाकर पैसा देता है। यही हमारे उच्च वर्ग के लोगों ने, जब मैं भारतीय किसान संघ ज्वाइन किया, हमारे कर्मा के क्षेत्रों ने कहा चैत्रिकलोंडा क्या करिए, डीएम बन के आया है, ये डीएम समय है। और कल वही व्यक्ति मात्र 5 साल लगा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे काशी प्रांत के उपाध्यक्ष जी, इन लोगों के आशीर्वाद से वही व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आया, प्रभुपाल सिंह जी हमसे बहुत भारी गलती हुई, शायद हम कोऑपरेटिव बैंक से चलिए
मैनेजर जो है कि 5% मांग रहा है। हमने वीरेंद्र श्रीवास्तव से कहा, राम विशाल त्रिपाठी जिससे कहा गया भैया हम अगर जाएंगे तो हमसे 5% लेकर आप अपने तरीके से देख लीजिए। तो हमारे छोटे भाई रणजीत मौर्य है, इन्होंने कहा कि ठीक है चाचा जी भैया जी को कह दीजिए चलते हो जाएगा। मैं जा करके उनको 50,000 रुपया निकलवाया। उस समय हरचंद बैंक मैनेजर सागरन बैंक मैनेजर पर जब पैसा दिया तो हमारे यहाँ है किसान क्रेडिट कार्ड मैंने यादव जी का बनवाया 1,50,000 रुपए का निःशुल्क बनवाया। वो आपकी ताकत थी, हम क्या भाई, हम तो बता दे रहा हूँ कि मैं 50 रुपया बोरी लिया गया, हमसे 10% कमीशन लिया गया, लेकिन आज मैं समाज का सेवा करता हूँ। इसी के साथ मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भारतीय किसान संघ का कार्यक्रम हो पूरे परिवार के साथ आइए, एक दो लोग को घर छोड़ने के लिए कह दीजिए। जब शादी ब्याह पड़ता है तो पूरा परिवार के साथ जाते हैं, ये अपना हक लेने की बात आती है तो हमारे पास समय नहीं है। तो जब समय नहीं है तो सब गुलाम बन की जिंदगी, तो बताइए आप गुलामों की जिंदगी जीना चाहते हैं कि आजाद भारत में आजाद बन के जीना चाहते हैं? आप आजाद बन के जीना चाहते हैं ना? तो जब आप आजाद बन के जीना चाहते हैं तो आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आजाद बिस्मिल, जब तक सूरज चांद रहेगा इन शहीदों का नाम रहेगा। अरे भाई मरना है एक दिन, अगर हम अपने देश के किसानों के लिए, अपने जनपद के किसानों के लिए अगर शहीद भी हो जाते हैं तो कम 100-200-400 किसान तो ऐसे रहेंगे जो जानेंगे कहेंगे नहीं कि वो मरा है, समाज के लिए मरा है। ऐसे तो लाखों करोड़ों अरबपति मरने कौन लेता है किसका नाम? तो जो देश के काम आए, जो किसानों के काम आए, हम देश की पूरा भरण पोषण करते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं। हमारी दशा क्या है? हम आत्महत्या कर रहे हैं। हम न अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न अपना जीवन यापन, न अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। बड़ा किसकार है का 2 बीघा बेचेगा, छोटा किसकार पूरा खेत यहाँ रख के तब बिटिया की शादी करेगा। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी हक है हमारा, ये सारे सब व्यापारी और अधिकारी मिलकर खा जा रहे हैं। मैं बता दूं यार साहब, है कर्मा को बेटी का कम से कम 400-500 कुंटल आज भी किसान है जो 100 रुपया कुंटल दे करके, 100 रुपया कुंटल दे करके न तो उनका पैसा वो तो गया, 100 कुंटल 400 जो धान बेचे थे वो भी चला गया, सब खा गए। आज हमारे माननीय मतलब यार साहब हमारे तो मित्र थे, वो नहीं है। जब मैंने उनसे निवेदन किया, शिकायत किया, तो उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया। टीएन सिंह आज नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने कहा प्रभुपाल सिंह केंद्रीय पोर्टल कर्मा का हमने बंद करवाया था, ये एप्लीकेशन देकर के। तो कहा नेता जी अब प्रभुपाल नेता गरीब ठीक ठाक चलत हो ना, सोचिए उनकी मानसिकता, सोचिए कि हमारी समस्याओं के समाधान के बात करें कि नेतागिरी ठीक ठाक चलत हो ना, यानी जो लेता है यहाँ भी पहुँचाता है। असली सरदार यहीं पर बैठे हैं कलेक्ट्रेट पर। आपकी इतनी ताकत के कारण जिलाधिकारी महोदय ने कुर्सी छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं अपने जिले पर प्रदर्शन नहीं करने दूंगा। समझिए जिस दिन 5,000, 2,000, 4,000 ताकत हो जाएगी उनके पास क्या हमें रोकेंगे? अरे कलेक्ट्रेट हमारा है, क्या करोगे तुम? गोली चलाओगे? चलाओ, नहीं मानेंगे। आज हमारी ताकत कम है, इसलिए मैं यहाँ रामलीला मैदान पाया हूँ आपकी हिफाजत के लिए। अगर पहली बार में लाठी खाना पड़ा तो कह रहे भैया तो सब चौपट कर दिए, इसीलिए हम लोगों ने दिवस होकर के अपनी ताकत को देखते हुए यहाँ पे किया है। जिस दिन ताकत हो जाएगी सबसे पहले मैं कहता हूँ खुला चैलेंज है कि जहाँ मंच बना लो, अगर मुझे फांसी देना है तो मैं कारण गलत है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये हक दो जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, जो हमारे संविधान ने दिया है, हमें हक चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबको प्रणाम। तो देख सकते हैं गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं जो है कि डीएम कार्यालय सोनभद्र आ चुके हैं हम लोग डीएम कार्यालय के पास। देख सकते हैं यही रास्ता है जो डीएम कार्यालय जाता है। देखिए गाइस ये सोनभद्र का नज़ारा है। अब हम लोग जा रहे हैं डीएम कार्यालय और डीएम कार्यालय पहुँच कर वहाँ पर किसान से बात लगा भाई जा रहे हैं। देखिए गाइस ये डीएम कार्यालय का रास्ता और यहाँ लेट हो गया और लोग पहुंच चुके हैं वहां पे। देखिए गाइस तो ये खनन ऑफिस है, आप देख सकते हैं यह खनन ऑफिस, यहाँ ये अंदर खनन ऑफिस बनाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किसान संघ का जो है कि आंदोलन किया जा रहा है।
आपको वहाँ पर चलकर नज़ारा दिखाते हैं हम, और डीएम साहब आएंगे वहाँ से कुछ राय देंगे अपनी। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे का नज़ारा भी डीएम साहब आएंगे तो वहाँ पर दिखाया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चलिए अभी देखिए डीएम साहब तो आए नहीं हैं, थोड़ा बैक कैमरे से आपको नज़ारा दिखाते हैं डीएम कार्यालय का। ये सोनभद्र डीएम कार्यालय का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है पूरा। हम आपको चारों तरफ घुमा के दिखा देते हैं। काफ़ी बेहद खूबसूरत बनाया गया है ये रास्ता है, देख सकते हैं आप। देखते हैं गाइस, इधर भी कार्यालय है, और थोड़ा आगे चलते हैं, उधर का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा बनाया गया है ये, और आगे तक इधर देखिए गाय वाय हैं, पशु पक्षी हैं। देखिए गाइस, जो हम कहते हैं वीडियो में कि देखिए गाइस, तो ये वही गाइस है भाई। गाइस देख लीजिए, ये वही गाइस है। ये कह रही है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं मारेंगे। देखिए देखिए वो कह रही है। चला ऊपर चल जा। शासन की पॉलिसी वेरीफाई तो होगा ही नहीं, क्योंकि होता क्या है कि किसान के नाम पे कोई व्यापारी पंजीकरण नहीं। जी पहले था कि 100 क्विंटल तक किसानों का, छोटे किसानों का अपने आप हो जाता था, वो व्यवस्था बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, पूरे खेतों से निकल करके हमको आना पड़ता है वहाँ। जब आपके पास सर हमारे पास या तो जो खतौनी है ऑनलाइन कर देते हैं, उसी रकबे के आधार पर आप सत्यापन करते हैं, तो या फिर हमको दबाने की आवश्यकता क्या है? आप नहीं, हम लोग तो किसान ही दौड़ रहा है, हर ऑफिस में जा रहा है, बिना गया है कोई नहीं। रिपोर्ट लगवाना होता है, खोजना होता है उनको, जो है जगह ऐसी समस्या है सर। ठीक सर, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर ये ऐसा किसानों का दौड़ना पड़े। दूसरा चीज़ यह है कि अपने जिलाधिकारी को तो चलिए गाइस, अभी हम घर पे आ चुके हैं, और काफ़ी गाइस देखिए थकान आ गई, पूरा एकदम बाल पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, काफ़ी थकान आ गई गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को यही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।